हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकी स्पॉट एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कई बार घर में होता है कि सब्ज़ी नहीं है और हमें कुछ स्पेशल बनाना है, या बच्चे हरी सब्ज़ी नहीं खाना चाह रहे हैं, तो आज आप उन्हें कुछ टेस्टी और हेल्दी मिक्स बनाकर खिलाना स्प्राउट्स चाहें की तो सब्जी बनाने आप के ये लिए सब्ज़ी हमने ज़रूर मटर की बनाइएगा। दाल, चने और फ्रेंड्स, छोले रेसिपी पानी देखने से से धो पहले करके अगर इन्हें आपने हमारे 5-6 घंटे चैनल को पानी सब्सक्राइब में नहीं भिगोया किया है और तो उसके प्लीज़ बाद चैनल पानी को आज ही निकाल सब्सक्राइब करके कर लीजिए इसे और 4-6 घंटे बेलाइकन के को लिए रख ज़रूर दिया तो प्रेस इसमें ये करिएगा, जिससे स्प्राउट्स आपको निकल मेरी आए हैं। वीडियोस की और अब सारी इसकी हम सब्जी नोटिफिकेशन सबसे बनाएंगे। पहले मिलेगी। इसके लिए आइए हमने 2 मीडियम देखते साइज के प्याज लिए हैं, 8-10 लहसुन की कलियां ली हैं, 3 हरी मिर्ची ली है और 1 टुकड़ा अदरक का बारीक काटा हुआ है, 1 बड़े साइज का टमाटर बारीक काटा है, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया लिया है। ये हमने सूखे मसाले लिए हैं जिसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी यूज़ करेंगे और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और जीरा डालेंगे आधा चम्मच, और तेल हम 2 बड़े चम्मच यूज़ करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में ये अदरक डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और ये कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसमें हम ये टमाटर भी डाल देंगे। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। हमने कुकर गरम किया है और कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गरम हो गया, हम इसमें में आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। हम ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया है। अब इस मसाले को लगातार हिलाते हुए हमें भूनना है। ये देखिए, प्याज का मसाला भून गया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच के करीब, ताकि मसाला जले नहीं। और अब मसाला डाल करके फिर इसे भूनेंगे। सारे सूखे मसाले हमें भूनने हैं। ये देखिए, सूखे मसाले भी अच्छी तरह से भून गए हैं। जब मसाला भुन जाता है तो तेल अलग होने लगता है। ये देखिए, मसाले से तेल सेपरेट होना है। अब इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और ये भीगे हुए छोले, चने और मठ डालेंगे। और थोड़ा सा कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे। और सबको डाल करके मिक्स करेंगे। ये देखिए, मसाले के साथ सारे स्प्राउट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इन्हें हमने 1-2 मिनट भून लिया है। अब हम पानी डाल देंगे, तो हम इसमें 1 बड़ा ग्लास पानी डाल रहे हैं। ये देखिए, इतनी ग्रेवी है, हल्की सी, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमको, मीडियम ही रखना है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी बजने देंगे। अब 2-3 सीटी के बाद हम इसे आँच से उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब विसिल पूरी अपने आप निकल जाएगी तब कुकर खोलेंगे। ये देखिए, सारी एयर निकल गई है। अब हमने कुकर का ढक्कन खोला है और ये देखिए, हमारी ये सब्जी तैयार हो गई है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच ये भुना जीरा पाउडर डाल देंगे और ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, इसे डाल करके मिक्स करेंगे। और इस सब्जी को गर्मा गर्म किसी भी सर्विंग बाउल में आप सर्व करें। राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और आपने देखा है कितनी आसानी से झट से बन जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।